भारतीय फुटबॉल टीम को वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अहम मुकाबले में कतर के खिलाफ 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये हार ना तो भारतीय फैंस को रास आई और ना ही भारतीय फुटबॉल संघ को। इस हार के साथ ही भारत का क्वालिफायर के लिए अगले राउंड में जाने का सपना भी टूट गया। इस मैच में कतर के द्वारा किए गए पहले गोल पर काफी बवाल हुआ था। एक तरह से कहें तो भारत ने बेईमानी का आरोप लगाया है। फेडरेशन ने रेफरी के फैसले के खिलाफ आधिकारिक शिकायत कर दी है। भारत ने फीफा के अध्यक्ष, क्वालिफायर के अध्यक्ष, AFC के रेफरी के अध्यक्ष और मैच कमिश्नर को इस बारे में लिखा है कि किस तरह खराब सुपरविजन की वजह से फीफा वर्ल्ड कप के तीसरे राउंड में भारत नहीं पहुंच पाया। एक बार फिर भारत फीफा विश्व कप फुटबॉल मैच में क्वालिफाई होने से रह गया। किस बात को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है आपको वो भी बता देते हैं। भारत मैच के 72वें मिनट तक 1-0 से आगे चल रहा था। यहां से मैच के 73वें मिनट में अब्दुल्ला अलाहरक की फ्री किक पर यूसुफ आयमन ने हेडर लगाने का प्रयास किया, जिसे भारतीय कप्तान और गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधु ने रोक दिया। गुरप्रीत इस दौरान नीचे गिर गए और गेंद लाइन से बाहर चली गई। इसी दौरान हाशमी हुसैन किक मारकर गेंद को लाइन के अंदर ले गए और आयमन ने गोल कर दिया। रेफरी किम्बू सुंग ने गोल को हरी झंडी दे दी, जिसके बाद पूरा विवाद शुरू हुआ। भारतीय टीम के खिलाड़ी काफी समय तक रेफरी से बहस करते रहे, लेकिन फैसला नहीं बदला गया। भारत के खिलाड़ियों का मोराल डाउन हुआ और भारत ये मुकाबला हार गया। ब्राजील को 1950 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली थी। ये वही साल था जब पहली बार भारत ने वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए क्वालिफाई किया था। हालांकि क्वालिफाई करने के बावजूद भी इस वर्ल्ड कप में भारत एक भी मैच नहीं खेल सका था, क्योंकि तब विदेश जाने का खर्च बहुत ज्यादा था। कई रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि फीफा भारत का पूरा खर्चा उठाने को तैयार था, लेकिन इसके बावजूद भी भारत इस मैच में शामिल नहीं हो सका। टीम के अंदर सिलेक्शन को लेकर विवाद, प्रैक्टिस की कमी, ये सब बाकी वजह थी। फुटबॉल टीम की ब्राजील ने ना जाने की एक जो सबसे बड़ी वजह थी वो आपको हैरान कर दी थी। दरअसल तब भारत में फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों को जूते पहनकर फुटबॉल खेलने का अभ्यास नहीं था। भारतीय टीम नंगे पांव ही फुटबॉल खेला करती थी, लेकिन फीफा के नियम के मुताबिक आपको जूते पहनकर फुटबॉल खेलना पड़ता है। अजय देवगन की मूवी मैदान भी आई थी, जिसमें इस चीज को भी दिखाया गया था। एक बार फिर भारतीय फुटबॉल टीम का वर्ल्ड कप में खेलने का सपना टूट चुका है। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।